हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज़ हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस नॉवेल दैट इज़ फनी बॉय बाय श्याम सेल्वदुराय। तो आज के क्वेश्चंस हमारे इसी नॉवल पर बेस्ड होंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डी ट्रिपल एसपी TGT दैट दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। या आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसके सिलेबस में इस प्ले को इंक्लूड किया गया है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। इससे पहले हमने कई सारी वीडियोस बनाई है DSSP TGT पे। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से वॉच कर सकते हैं। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहें तो उसकी लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की कंप्लीट नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं अपने आज की इस नॉवेल को। जो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर होता है अर्जी होता है, जो कि एक प्रोटैगनिस्ट होता है और नैरेटर भी है इस नॉवेल का। ये एक बहुत ही सेंसिटिव और इमेजिनेटिव बॉय होता है और ये जो होता है इसको फीमेल का रोल प्ले करने में बहुत ही मज़ा आता है। ये जो फीमेल का रोल प्ले करता है उसमें साड़ी पहनता है और ब्राइड जो बनने का काम होता है वो यही करता है। दूसरी चीज़ क्या होता है कि ये जो बॉय होता है ये होमोसेक्सुअल होता है, यानी कि गे होता है। और इसी में दिखाया गया है कि ये एक ऐसी फैमिली में रह रहा है जहाँ पे एक द्वंद्व चल रही होती है, कॉन्फ्लिक्ट चल रही होती है तमिल और सिंगली के बीच में। सिंगली जो कि एक कम्युनिटी होती है श्रीलंका के रहने वाली है। इस प्ले की सेटिंग भी श्रीलंका में रखी गई है, तो उसी बीच में ये जो है किस तरह से ग्रो कर रहा है, किस तरह से इसके ऊपर सोसाइटी का प्रेशर होता है, तो ये सारी चीज़ को दिखाया गया है। शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोटैगनिस्ट इन द फनी बॉय। फनी बॉय का जो प्रोटैगनिस्ट है उसका क्या नाम होता है? तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर होता है सी, अर्जी नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, इन विच कंट्री डज फनी बॉय टेक प्लेस। फनी बॉय जो होती है इसकी कहाँ पे घटित होती है, यानी कि सेटिंग कहाँ पे रखी गई है? तो सेकेंड का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, वॉट गेम डज अर्जी लव टू प्ले विद हिज कजन्स। अपने कजन्स के साथ में कौन सा गेम खेलना इसको अच्छा लगता है? तो थर्ड का हमारा सही आंसर है ए, ब्राइड ब्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, वॉट एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इज सेंट्रल टू द नॉवल। कौन सी एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट होती है जो कि सेंटर है इस नॉवल की? तो फोर्थ का हमारा सही आंसर होता है सी, तमिल और सिंगली। ये दो कम्युनिटी होती है जिसके बीच में एक द्वंद्व चल रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइव, हुई इज राधा आंटीज लव इंटरेस्ट इन द स्टोरी। राधा आंटी का किससे लव होता है, यानी कि किससे इनको प्यार होता है इस नॉवल में? तो फिफ्थ का हमारा सही आंसर है सी, अनिल जयसिंघी। अनिल जयसिंघी जो कि एक सिंगली फैमिली से बिलोंग करता है, सिंगली कम्युनिटी से बिलोंग करता है, और इस वजह से जो अर्जी के पेरेंट्स होते हैं वो इस शादी के फेवर में नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ, वॉट हैपन्स टू राधा आंटी ऑन हर वे बैक फ्रॉम जैफना। तो जैफना से जब वापस आ रही होती है तो राधा आंटी के साथ क्या होता है? तो सिक्स का हमारा सही आंसर है बी, यानी शी इज़ अटैक्ड बाय अ सिंगलीज क्राउड। सिंगलीज क्राउड के द्वारा उन पर अटैक किया जाता है और इसी अटैक के बाद में जो राधा आंटी होती हैं वो शादी करने से मना कर देती हैं अनिल से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ, वॉट इज द नेम ऑफ कैरेक्टर हु इन्वेस्टिगेट्स गवर्नमेंट टॉर्चर इन द नॉवेल। उस कैरेक्टर का क्या नाम होता है जो गवर्नमेंट के टॉर्चर को इन्वेस्टिगेट करता है इस नॉवेल में? सेवन का हमारा सही आंसर है सी, डैरिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट, व्हाई डज अर्जीज फादर सेंड हिम टू विक्टोरिया अकेडमी। अर्जी के फादर, अर्जी जो कि इस नॉवेल का प्रोटैगनिस्ट होता है, उसके फादर उसे विक्टोरिया अकेडमी में क्यों भेजते हैं? विक्टोरिया अकेडमी एक स्कूल होती है। तो एट का हमारा सही आंसर होता है बी, टू टफन हिम अप एंड मेक हिम मोर मैस्कुलिन, ताकि वो थोड़ा सख्त हो जाए और एक मैस्कुलिन हो जाए, मेल बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ, हु हेल्प्स अर्जी कम टू टर्म विद हिज सेक्सुअलिटी। कौन सा व्यक्ति होता है जो अर्जी की हेल्प करता है उसको अपना सेक्सुअलिटी या जेंडर पहचान करने में? तो नाइन का हमारा सही आंसर होता है डी, शेहान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेन, वॉट इज द फाइनल डिसीजन ऑफ अर्जीज फैमिली एट द एंड ऑफ द नॉवेल। नॉवेल के एंड में अर्जी की फैमिली का फाइनल डिसीजन क्या होता है? टेन का हमारा सही आंसर है सी, टू मूव टू कनाडा। वो कनाडा मूव जाने के बारे में सोचते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, वेयर डज अर्जी हैव हिज फर्स्ट सेक्सुअल इनकाउंटर विद शिहान। ये कहना चाहते हैं अर्जी सबसे पहले शिहान के साथ में कहाँ पे सेक्स करता है, तो 11th का हमारा सही आंसर होता है सी, इन द फैमिली गराज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, व्हाट हैपेंस टू अर्जीज ग्रैंड पेरेंट्स ड्यूरिंग द राइट। ये जो राइट होता है ये दंगे होते हैं कम्युनिटी को लेकर के, तो दंगे में जो अर्जी के ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनके साथ क्या घटित होता है, तो 12 का जो हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि देवर किल्ड। ये जो दंगे होते हैं इसी दंगे में सिंगली के द्वारा उनके ग्रैंड पेरेंट्स को मार दिया जाता है, और इसी वजह से अर्जी के जो पेरेंट्स होते हैं वो राधा आंटी की शादी नहीं कराना चाहते हैं उस कम्युनिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, व्हाट इज अर्जीज निक नेम गिवन बाय हिज अंकल व्हेन ही इज सीन ड्रेस्ड एज ब्राइड। जब ब्राइड ब्राइड खेल रहे होते हैं उसमें जो अर्जी होता है वो ब्राइड बनने का काम करता है और साड़ी पहने हुए होता है, तो उस समय अर्जी को कौन सा निक नेम दिया जाता है उसके अंकल के द्वारा, तो 13 का हमारा सही आंसर है बी, द फनी बॉय। द फनी वन बोलते हैं इसी पे उसका नाम रखा जाता है, इस नॉवल का टाइटल रखा गया है फनी बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th, इन द चैप्टर राधा आंटी, जो राधा आंटी का चैप्टर है, विच म्यूजिकल परफॉर्मेंस डू अर्जी एंड राधा पार्टिसिपेट इन। कौन सा म्यूजिकल परफॉर्मेंस होता है जिसमें अर्जी और राधा पार्टिसिपेट करते हैं, 14 का हमारा सही आंसर सी है, द किंग एंड आई, द किंग एंड आई नाटक में ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th, वाई डज अर्जीज फैमिली ऑब्जेक्ट टू राधा आंटीज रिलेशनशिप विद अनिल जयसिंघी। ये कहना चाहते हैं कि अर्जी की फैमिली क्यों ऑब्जेक्शन करते हैं राधा की जो शादी होती है अनिल के साथ, अनिल सिंघी जो होता है, तो 15 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी ही इज अ सिंघीज, तो सिंगलीज से वो शादी करना नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th, व्हाट पॉलिटिकल ग्रुप इज जेगन एसोसिएटेड विद इन द नॉवेल। ये जो जेगन होता है वे किस पॉलिटिकल ग्रुप से संबंधित होता है, तो 16 का हमारा सही आंसर है ये, तमिल टाइगर से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, हाउ डज अर्जीज मदर रिएक्ट व्हेन अंकल डायरिल गोज मिसिंग। जब अंकल डायरिल मिसिंग हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, तो अर्जी की मदर किस तरह से रिएक्ट करती है, 17 का हमारा सही आंसर होता है ए, शी ट्राइज टू इन्वेस्टिगेट हिज अपियरेंस डिसअपियरेंस, वो जो गायब हो जाता है उसको खोजने की कोशिश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th, व्हाट लेसन डज अर्जी लर्न फ्रॉम लॉयर हु टॉक्स अबाउट 3 वाइज मंकीज। कौन सा लेसन अर्जी सीखता है लॉयर से जो 3 वाइज मंकीज के बारे में बातें करता है, 18 का हमारा सही आंसर है बी, टू बी साइलेंट एंड नॉट टू इंटरफियर, चुप रहिए और इंटरफियर नहीं करिए। 19 है, वाई इज जेगन डिसमिस्ड फ्रॉम हिज जॉब एट अर्जीज फादर्स होटल। जेगन जो होता है अर्जी के फादर के होटल पे जॉब कर रहा होता है, लेकिन इसको वहां से क्यों निकाल दिया जाता है, तो 19 का सही आंसर है बी, ही इज अक्यूज्ड ऑफ प्लॉटिंग एंड असैसिनेशन। उस पर इल्जाम लगाया जाता है कि वो असैसिन माने हत्या, कि हत्या करने के लिए प्लॉटिंग कर रहा है, जबकि मेन रीज़न ये होता है कि ये जो व्यक्ति होता है इसको जब ये इसके फादर अपने होटल में रख लेते हैं तो इनके पास बहुत सारी कॉल्स आती हैं, धमकी भरी आती है, इसी वजह से इसको जॉब से हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, हाउ डज अर्जी मेसअप हिज पोम रिसाइटल एट द विक्टोरिया अकेडमी। ये कहना चाहते हैं किस तरह से विक्टोरिया अकेडमी में अर्जी अपनी पोम को ख़राब कर देता है, तो 20 का हमारा सही आंसर होता है बी, ही डिलिबरेटली स्टम्बल्स ओवर द लाइन, वो जानबूझ के जो लाइन होती है उसको गलत पढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, व्हाट पनिशमेंट डज प्रिंसिपल ब्लैक टाई गिव टू अर्जी एंड शिहान। ये जो ब्लैक टाई होता है ये विक्टोरिया एकेडमी का प्रिंसिपल होता है, तो ये कौन सा पनिशमेंट देता है अर्जी को और शिहान को, तो 21 का हमारा सही आंसर सी होता है, फिजिकल बीटिंग, फिजिकली उनकी पिटाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, व्हाट डज अर्जीज फादर होप विक्टोरिया एकेडमी विल अचीव फॉर अर्जी। अर्जी के फादर क्या आशा करते हैं कि विक्टोरिया एकेडमी उनके बेटे के लिए क्या करेगी, 22 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि टू मेक हिम अ मैन, कि जो ये अकेडमी उसको मैन बना देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, व्हाट इवेंट फोर्सेस अर्जीज फैमिली टू फाइनली डिसाइड टू लीव श्रीलंका। कौन सी इवेंट होती है जो अर्जी की फैमिली को मजबूर करती है
श्रीलंका छोड़ने पर। 23 का हमारा सही आंसर होता है डी, द वायलेंट राइट से टारगेटिंग तमिल फैमिलीज, जो राइट दंगे चल रहे होते हैं जिसमें तमिल फैमिलीज को टारगेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, वेयर डज अर्जी एंड हिज फैमिली हाइड ड्यूरिंग राइट्स, दंगे के दौरान अर्जी उसकी फैमिली कहाँ पे छुप जाते हैं। तो 24 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी इन अ नेबर्स हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, व्हाट इज द निक नेम गिवन टू तनुजा बाय द फैमिली, फैमिली के द्वारा तनुजा को कौन सा निक नेम दिया जाता है। तो 25 का हमारा सही आंसर है बी, हर फैटनेस, ये बहुत ज़्यादा मोटी होती इसी वजह से उसको फैटनेस का निक नेम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, हाउ डज अर्जी फील अबाउट हिज गेम ऑफ ब्राइड ब्राइड व्हेन द अडल्ट्स कैच हिम प्लेइंग, अर्जी होता है अपने गेम के बारे में कैसा महसूस करता है जो ब्राइड ब्राइड वाला होता है जब बड़े लोग उसको देख ले होते हैं इसको खेलते हुए, यानी अडल्ट्स लोग बड़े लोग उसको खेलते हुए जब देख लेते हैं। 26 का हमारा सही आंसर है बी, ही इज कन्फ्यूज्ड एंड अपसेट, वो कन्फ्यूज होता है और अपसेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, हु डज राधा आंटी इवेंचुअली मैरी, राधा आंटी अंत में किससे शादी करती हैं। तो 27 का हमारा सही आंसर है बी, राजन नागेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, व्हाट हैपेंस टू अर्जीज ग्रैंड पेरेंट्स अमाची एंड अपाची, अमाची और अपाची जो होते हैं ये अर्जी के ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं और दंगे के दौरान इनके साथ क्या घटित होता है। तो 28 का हमारा सही आंसर सी होता है, दे आर किल्ड, इन लोग को दंगे में मार दिया जाता है और इसी वजह से इनकी जो पेरेंट्स होते हैं वो राधा आंटी की शादी और जो अनिल होता है उससे नहीं करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, व्हाट रोल डज ब्लैक टाई प्ले एट विक्टोरिया एकेडमी, ब्लैक टाई जो कि विक्टोरिया एकेडमी का प्रिंसिपल होता है वो कौन सा रोल प्ले करता है। तो 29 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि प्रिंसिपल होता है वहाँ का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, व्हाट इज अर्जीज इनिशियल रिएक्शन आफ्टर हिज फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स सेक्सुअल इनकाउंटर विद शिहान, ये कहना चाहते हैं अर्जी का इनिशियल रिएक्शन क्या होता है जब फर्स्ट टाइम वो सेक्स करता है शेहान के साथ में। तो 30 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी ही इज कन्फ्यूज एंड अशेम्ड, वो कन्फ्यूज होता है और शर्मिंदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, वाई डज अम्मा टेक अर्जी टू द कम्युनिटी कंट्री इन द चैप्टर सी नो एविल हियर नो इविल। तो ये जो अम्मा होता है ये मदर के लिए यूज़ किया गया है, तो अर्जी की मदर अर्जी को कंट्री में क्यों लेकर जाती हैं, वो कहते हैं कि सी नो इविल एंड हियर नो इविल। तो 31 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी टू रिकवर फ्रॉम इलनेस से रिकवर होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर अर्जीज फादर्स सस्पिशन ऑफ हिज सेक्सुअलिटी, अर्जी के फादर जो होते हैं उसके सेक्सुअलिटी पे शक करते हैं तो उसका मेन रीजन क्या होता है। 32 का हमारा सही आंसर है बी, अर्जीज मैनरिज्म एंड बिहेवियर, अर्जी जो मैनर होता है बिहेवियर होता है उसी से उसके फादर को डाउट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, व्हाट डज अर्जीज फादर डू इन रिस्पॉन्स टू हिज कंसर्न अबाउट अर्जीज सेक्सुअलिटी, जब अर्जी की सेक्सुअलिटी के बारे में उनको डाउट होता है तो इसके रिस्पॉन्स में वो क्या करते हैं। 33 का हमारा सही आंसर है बी, ट्रांसफर्स हिम टू विक्टोरिया अकेडमी, वो उसको विक्टोरिया अकेडमी में भेज देते हैं ताकि वो कुछ सीखे और मैन बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, व्हाट इज द फेट ऑफ अंकल डायरिल अकॉर्डिंग टू द नॉवेल, नॉवेल के अनुसार अंकल डायरिल के साथ क्या घटित होता है। तो 34 का हमारा सही आंसर है बी, ही इज किल्ड अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस, संदिग्ध अवस्था में उसको मार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, व्हाट डज अर्जी लर्न फ्रॉम तमिल सिंगलीज कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम हिज फादर, ये कहना चाहता है अर्जी जो होते हैं क्या सीखते हैं जो तमिल सिंगलीज का कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके बारे में अपने फादर से क्या सीखते हैं। तो 35 का हमारा सही आंसर है सी, द कॉन्फ्लिक्ट इज सीरियस एंड अफेक्ट्स हिज फैमिली, कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो सीरियस होता है उसके फैमिली को भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, हाउ डज अर्जीज रिलेशनशिप विद शेहान चेंज बाय द एंड ऑफ द नॉवेल, अर्जी का जो रिलेशनशिप होता है शेहान के साथ में वो कैसे चेंज होता है नॉवेल के एंड में। 36 का हमारा सही आंसर है सी, दे हैव टू पार्ट वेज, उन दोनों को एक दूसरे से जुदा होना होता है क्योंकि अर्जी की फैमिली डिसाइड करते हैं कनाडा जाने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37. वॉट डज तनुजास इंटरफेरेंस विद द गेम ब्राइट ब्राइट लीड टू. तनुजा का जो इंटरफेरेंस होता है गेम, जो ब्राइट ब्राइट का गेम होता है, उससे क्या होता है. तो 37 का हमारा सही आंसर है सी, अर्जी इज बींग एम्बेरस इन फ्रंट ऑफ द फैमिली. अर्जी जो होता है वो एम्बेरसिंग फील करता है अपनी फैमिली के सामने. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38. इन द चैप्टर राधा आंटी, हाउ डज राधा आंटीज इंगेजमेंट टू राजन नागेंद्र कम आउट. ये जो चैप्टर है राधा आंटी, इस चैप्टर में किस तरह से राधा आंटी का जो इंगेजमेंट होता है राजन नागेंद्र के साथ, ये पता चलता है. तो 38 का हमारा सही आंसर होता है बी, इट इज़ अरेंज्ड बाय हर फैमिली ड्यू टू द पॉलिटिकल सिचुएशन के कारण ये उसकी फैमिली के द्वारा अरेंज किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39. हाउ डज अरजीज फादर्स रिएक्शन टू हिज सेक्सुअलिटी इम्पैक्ट अरजीज स्कूलिंग. अर्जी के जो फादर का रिएक्शन होता है उसकी सेक्सुअलिटी को लेकर, ये किस तरह से अर्जी की स्कूलिंग को इम्पैक्ट करता है. 39 का हमारा सही आंसर होता है बी, ही ट्रांसफर्स अर्जी टू विक्टोरिया अकेडमी. वो अर्जी को विक्टोरिया अकेडमी में भेज देते हैं. लास्ट क्वेश्चन इज 40. व्हाट सिग्निफिकेंट इवेंट हैपन्स टू अर्जीज फैमिली ड्यूरिंग द राइट. दंगे के दौरान अर्जी की फैमिली के साथ क्या होता है. 40 का हमारा सही आंसर है बी, दे आर फोर्स्ड टू इवैक्यूएट देयर होम. उनको मजबूर किया जाता है अपना घर खाली करने के लिए. तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन. हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे. फिर मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम.